का भी है और उनके साथ में सरपंच की है माजी सरपंच वैशाली रंग, उनका भी स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ हमारे जो है फिल्म अभिनेत्री गलत यादव जी भी हमारे बीच में मौजूद है, काफी इनके इन्होंने फिल्में की है और काफी हिट फिल्में भी की है और सीरियल भी करते रहते हैं। हमारे बीच में फैमिली कोच आदरणीय रणजीत सिंह जी भी हैं जिनको मैं आपका गुरु मानता हूँ, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। एडवोकेट विनोद काकड़िया जी हैं और हमारी कलाकारों का, सभी संगीत करने वालों का, सभी चाहे अपने कर्मेंद्रियों से भल कुछ कम ज्यादा भी है पर फिर भी अपनी विशेषता से अनेकों को गौरव अनुभव कराने वाले इन सभी को समक्ष रखते हुए आज विशेष प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से और मिशन पत्रकार की ओर से आज ये जो कार्यक्रम रखा है ब्रह्मा कुमारी का आध्यात्मिक रहस्य रक्षाबंधन का, अगर हम देखें भारत के उनमें से एक त्यौहार है रक्षाबंधन। ये त्यौहार ना तो कोई आवाज का है ना ही कोई रंगों का है। इस त्यौहार में कोई आवाज नहीं है ना कोई धूम धड़ाके है, परंतु ये 5 मिनट का त्यौहार सचमुच में एक बहुत ही रहस्य युक्त है। इस त्यौहार में हम राखी बांधते हैं, तिलक लगाते हैं, मुख मीठा करते हैं, गिफ्ट की लेन देन करते हैं और ये त्यौहार पूरा हो जाता है। और लाइक काफी अच्छे से शब्द दिया गया, काफी अच्छे से सम्मानित किया गया, मैं लाइक बहुत ज्यादा खुश हूँ एंड मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। ये लोग काफी अच्छे से काम कर रहे हैं और ये लोग काफी लाइक जो अच्छे चल रहे हैं अप्रिशिएट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने इनका काम देखा है, बहुत अच्छा लगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बहुत मतलब इतनी भागदौड़ वाली लाइफ मुंबई की है, यहाँ के काफ़ी कॉन्फिडेंट लगा और स्पेशली जो ब्रह्म कुमारी जी ने बोला हमारे लाइफ के बारे में, लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए और अपने विचारों को प्योरीफाई करना चाहिए, और अदर मेंबर्स ने जो बोला वो भी बहुत अच्छा लगा। और स्पेशली जो रक्षाबंधन का पर्व है इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। आगे मैं